तो दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए है जिनका फ़ोन में चार्जिंग स्लो होता है या चार्ज छोड़ता पकड़ता है, तो स्पेशली उसके लिए है। और दोस्तों और ये वीडियो दोस्तों देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ इस ट्रिक का यूज करके आप 110% आपका फ़ोन जो है स्लो चार्ज लेता है तो वो ठीक हो जाएगा, या छोड़ता पकड़ता है तो वो भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। और बस कुछ मिनट क्या, कुछ सेकंड का ट्रिक है दोस्तों, और बस जो बताऊंगा मैं उसको फॉलो कीजिएगा और 110% आपका आपका जो है मतलब वर्क करेगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि मतलब नया फ़ोन तो लेते हैं तो नया फ़ोन तो काफ़ी अच्छा चार्ज हो देता है, अच्छा से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत अच्छा चार्जिंग इंक्रीज भी होता है, मगर कुछ ही महीनों के बाद 5-6 महीना या साल भर में जो भी होने में ठीक है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है धीरे धीरे जो है चार्ज छोड़ना पकड़ने लगता है, यानी तो स्लो होने लगता है चार्ज दोस्तों, ये सब ऐसा समस्या आता है दोस्तों। तो इसी समस्या का इस वीडियो में समाधान है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये जो मैंने बताया ये आपको कैसा लगा, आपका वर्क किया क्या नहीं किया दोस्तों। दोस्तों इस ट्रिक का यूज करके दोस्तों मैंने काफ़ी मतलब इतने से मानो तो आप हज़ारों फ़ोनों को मैंने मतलब ऐसे जो है दोस्तों जो प्रॉब्लम है दोस्तों स्लो चार्ज होने का या छोड़ने पकड़ने का, तो कम से कम कई फ़ोन को मैंने ठीक किया है दोस्तों। अब बताया भी है कि ऐसे कर लो दिक्कत नहीं है, क्यों आप चार्जिंग पिन चेंज करोगे, पूरा तरह से चार्जिंग पिन खराब हो जाए तो ही आप जो है चेंज करना, नहीं तो ऐसे तो आपका ठीक ही है दोस्तों। तो दोस्तों मैं 2-3 स्टेप मात्र बताऊंगा दोस्तों, और इसी में आपका जो प्रॉब्लम होगा दोस्तों वो फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आप अगर कोई भी फ़ोन हो, कोई भी सिंपल हो या मल्टीमीडिया फ़ोन हो, जो भी फ़ोन हो दोस्तों, तो उसमें एट फर्स्ट कभी कभी होता है क्या दोस्तों आप अगर दोस्तों पिन में क्या है दोस्तों, अगर ये पिन जैसे है दोस्तों, ये पिन में क्या होता है गंदा घुस जाता है, तो आप एट फर्स्ट उसको साफ़ कर लीजिएगा सबसे पहले। अगर डाटा पहले तो आप डाटा केवल देख लीजिएगा दोस्तों, डाटा केवल आपका अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है दोस्तों तो आप जो है दोस्तों आप लोग के पास पेट्रोल तो होगा, हर आदमी के पास घर में बाइक रहता है या पेट्रोल का तो काम हो ही जाता है दोस्तों। तो बस दोस्तों ब्रश से जो दोस्तों जैसे ये ब्रश है दोस्तों, तो ब्रश को जो है क्या करना है दोस्तों, पेट्रोल में भिगा कर और डाटा केबल और चार्जिंग पिन दोनों को दोस्तों अच्छा से साफ़ करना है। मैं बता देता हूँ दोस्तों, मैंने पेट्रोल लगा लिया दोस्तों, देखो ये डाटा केबल है दोस्तों, डाटा केबल को दोस्तों अच्छा से नीचे दोस्तों, ये जो नीचे है पिन दोस्तों वो एकदम साफ़ करना है दोस्तों, नीचे वाला पिन, क्योंकि ये एक दूसरे में टच होता है मोबाइल में जाके दोस्तों। और जैसे ये मोबाइल का भी पिन है दोस्तों, इसको भी पूरा अच्छा से साफ़ करना है दोस्तों, इतना जान लो। अच्छा साफ़ कर दिया तो उसके बाद और दूसरा क्या करना है दोस्तों कि पहले देखिए अंदर में जो दोस्तों किसी किस्म क्या होता है दोस्तों कि अंदर में मतलब कुछ गंदगी घुस जाता है दोस्तों, देखिए इसमें भी है दोस्तों गंदगी, तो पतला सा कोई नुकीला चीज़ या अल्पिन हो या नहीं तो जो भी हो पिन कांटे वगैरह पतला सा, इसको लेके दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें जंग गंदा भी है दोस्तों, उससे क्या होता है दोस्तों प्रॉपर जो दोस्तों घुस नहीं पाता है, ये जो जैक है दोस्तों ये प्रॉपर घुस नहीं पाता है, तो घुस हल्का बाहर रहता दोस्तों तो कनेक्ट लेता नहीं अच्छा से, तो इसके कारण भी ऐसा होता है। और भी 2-3 स्टेप हम बता देते हैं, और ये 100% वर्क करेगा दोस्तों कोई भी फ़ोन हो। उसके बाद दोस्तों ये तो कर लिया मैंने, पेट्रोल से भी साफ़ कर लिया, आप तो ये जान गए। अब तीसरा क्या है दोस्तों, ये आपको एक तो रामबान हो गया दोस्तों, ये ब्लेड है ना दोस्तों, अब ब्लेड को क्या करना है दोस्तों, ये साइड से थोड़ा सा यहाँ से काट देना है दोस्तों, ये देख लो आप मैंने काट दिया दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इस तरह से इसको तोड़ देना है, देखो दोस्तों ये तोड़ दिया, तो ये जो साइड वाला दोस्तों ये इधर थोड़ा भाग गया दोस्तों, ये जो मैंने तोड़ा। अब क्या करना है दोस्तों, बस ये जो है ना दोस्तों जो पिन है दोस्तों इसमें दोस्तों क्या होता है टच होता है एक दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे टच होता होगा। जैसे देखिए दोस्तों ये कोई भी चार्जिंग पिन है, जैसे माना कि ये चार्जिंग पिन है ठीक है दोस्तों, और उसके बाद चार्जिंग पिन है तो क्या है दोस्तों, इधर से दोस्तों आपको दिख रहा होगा दोस्तों तांबा जैसा जो है इस साइड से अंदर में, आप गौर से देखिएगा दोस्तों कि किसी भी मोबाइल का दोस्तों तो तांबा है दोस्तों, तांबा का है दोस्तों। तो क्या होता है क्या दोस्तों, ये जो इसके अंदर भी है दोस्तों, तो ये जब घुसता है दोस्तों तो एक दूसरे में टच हो जाता है, आपको कैसे देखिए वो भी दोस्तों आपके लिए एक पिन मैंने बर्बाद ही कर दिया एक तरह से। देखिए दोस्तों ये देखिए क्या होता है दोस्तों, अच्छा लगता कि आप समझोगे आप। देखिए दोस्तों ये जो है ना दोस्तों, ये दोस्तों 5 पिन है दोस्तों, तो फर्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों, चार्जिंग का प्लस माइनस होता है दोस्तों, है ना, आपको दिख रहा होगा है। अब क्या है दोस्तों बताते हैं आपको, ये दोस्तों इसके अंदर भी होता है वैसा ही सर दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या होता जाएगा दोस्तों एक दूसरे में टच हो जाता है, ये टच हो जाता है दोस्तों। तो अब क्या करना है दोस्तों, बस इसी को जो दोस्तों बस क्या ये नुकीला है ना दोस्तों, बस इसको ऐसे करके साफ़ करना है,
दोस्तों इसी में जो है कार्बन लग जाता है, या देखिएगा आप ये कार्बन लग जाता है, जैसे मोबाइल का पिन है दोस्तों, बस अंदर में घुसा के और ऐसे ऐसे पिन कीजिए, मतलब थोड़ा देर तक कस कर, हल्का कस के थोड़ा सा कीजिए फोर्स करके, ठीक है, पूरा अच्छा से कर दीजिए दोस्तों। और उसके बाद जो है पेट्रोल से थोड़ा साफ़ कर दीजिए, और ध्यान रहे दोस्तों मोबाइल ऑफ होना चाहिए दोस्तों, मोबाइल ऑफ़ कर दीजिए दोस्तों। और कोशिश हो तो बैटरी भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बैटरी नहीं निकालेगा तो भी दिक्कत नहीं है, मगर मोबाइल ऑफ होना चाहिए, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चाहे आपका मल्टीमीडिया फ़ोन हो या बटन वाला फ़ोन हो, जो भी हो, तो ऐसे करके साफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका 100% वर्क करेगा दोस्तों। अगर चार्जिंग पिन में भी ऐसा प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप चार्जिंग पिन में दोस्तों जैसे देखिए ऐसे हैं दोस्तों, चार्जिंग पिन में ऐसे घुसा के दोस्तों साफ़ कर सकते हैं, इसको पतला सा और काट लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, घुसा के ऐसे करके साफ़ कीजिएगा दोस्तों, तो आपका पिन जो है कोशिश कीजिएगा फर्स्ट एंड लास्ट साफ़ हो, चाहे मोबाइल में हो चाहे पिन हो दोस्तों, फर्स्ट एंड लास्ट में ही दोस्तों कार्बन वगैरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि वोल्टेज रहता है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों देखिए ऐसे कीजिएगा दोस्तों, 100% वर्क करेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। और वीडियो अगर कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।